अलीगंज ब्लाइंड मर्डर केस का पटना पुलिस ने किया खुलासा। बीते 8 नवंबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने पूर्व मुखिया सह जदयू जिला उपाध्यक्ष संजय वर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्लाइंड केस का खुलासा, घटना के पीछे राजनीतिक रंजिश की जांच की जा रही थी। पुलिस मुख्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया था। पटना SSP उपेंद्र शर्मा लगातार कार्रवाई का फीडबैक ले रहे थे। सिटी SP DSP तनवीर अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पकड़े गए तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। साथ ही और भी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। स्वर्ण के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। भीमचक निवासी, भीमनीचक निवासी भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय संजय वर्मा जी की हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर तब कर दी गई जब वे मॉर्निंग वॉक में थे। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिमी पटना के निर्देशन में दुल्हिन बाजार विक्रम सिरोड़ी थानाध्यक्ष के साथ पुलिस टीम ने काम किया और इस ब्लाइंड केस को डिटेक्ट किया। ब्लाइंड केस के डिटेक्शन के बाद अपराधकर्मियों की पहचान की गई। उनकी उसमें से 3 अपराधकर्मियों की, हत्याकांड में शामिल 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभी नहीं हुई है। अपराधकर्मी के गिरफ्तारी, शेष अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के बाद सुनिश्चित होगी। सर, जो गिरफ्तार अभियुक्त हुए, स्वीकारोक्ति उनका स्वीकारोक्ति है और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उसमें से एक हैं चंदन कुमार महाबलीपुर, दूसरा मंटू कुमार भीमनीचक और तीसरा विकू कुमार बानीचक। कारण भी बताया गया कि ये 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट आए हैं उसमें जो भीमनीचक के उनके ग्रामीण रागीश कुमार उर्फ मुनीम शर्मा के उनके साथ उनके आपसी मनमुटाव, मतभेद और पंचायत संबंधी मुद्दों पर विभिन्न तरीके से रंजिश के कारण उनके द्वारा यह हत्या कराई गई है उनके सहयोगियों के साथ। बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है, तुरंत गिरफ्तार। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।